मैंने पहला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि तानपुरा कैसे मिलाया जाता है और उसमें उस किस प्रकार से मिलाया जाता है, पहला तार, दूसरा तार, तीसरा तार, कौन कौन से स्वरों में मिलाया जाता है। उसके बाद मैंने जो बताया था कि स्वर ज्ञान, तो स्वर ज्ञान के लिए हमें स्वर की परिभाषा समझनी होगी कि स्वर क्या होता है। तो स्वर के अंदर निश्चित रूप से जिसमें ध्वनि, ऐसी ध्वनि जिसमें नियमित रूप से बार बार कंपन की आवृत्ति हो। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था कि पंखे की ध्वनि है या शिक्षिका की आवाज़ है। जैसे अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं एक ऐसी ध्वनि निकाल रहा हूँ मुंह से जिससे आपको पता चलेगा कि वो स्वर नहीं है, क्योंकि उसमें कभी कंपन घटेंगे कभी कंपन बढ़ेंगे। अब ये जो ध्वनि है, इस ध्वनि के अंदर कभी कंपन घट रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, कभी तेज हो रहे हैं, तो इसलिए इसको हम स्वर नहीं कहेंगे। यह एक ध्वनि स्वर नहीं है, कोलाहल है, शोरगुल है, जो बिल्कुल कर्णप्रिय नहीं है। अब मैं आपके सामने एक ऐसी ध्वनि निकाल रहा हूँ जिसके अंदर प्रति सेकंड, हर सेकंड में नियमित रूप से कंपन होता है। जैसे इसके अंदर अब क्या है, नियमित रूप कंपन थे, जो पहले सेकंड में थे वो दूसरे सेकंड में थे, यानी 4-5 सेकंड जितने सेकंड तक मैंने लगाया कंपन की जो आवृत्ति वो बार बार थी, तो ये एक स्वर हो गया। तो ये स्वर जो है वो हमारे मस्तिष्क को आनंद देता है, और ये स्वर का प्रभाव है कि पहले कुछ अच्छे अच्छे न्यूज़ रीडर होते थे, उद्घोषक होते थे, तो उनकी आवाज़ सुनते सुनते, समाचार सुनते सुनते रेडियो में लोगों को नींद आ जाती थी, क्योंकि उनकी जो आवाज़ होती थी उसमें नियमित रूप से कंपन आते थे। इसी प्रकार से शिक्षक या कोई टीचर, शिक्षिका, कोई भी जो व्यक्ति पढ़ाता था तो मैं नींद क्यों आता था, क्योंकि उसके स्वर में नियमित कंपन होते थे। इसी तरह से पंखे की साउंड, रेलवे की सीटी है। तो अब बात आती है कि स्वर मैंने बताया दो प्रकार के हैं, एक शुद्ध है और दूसरा विकृत है। तो शुद्ध स्वर जो प्रकृति से प्रदत्त है, सात स्वर सारे गामा पादनी, विकृत है जो जिनको विशेष रूप से बना रचना की, तो उसमें देखा कि विकृत में दो है, एक तो है कोमल और एक है तीव्र। अब कोमल को कोमल क्यों कहते हैं, तीव्र को तीव्र क्यों कहते हैं? जो हमें प्रकृति से सात स्वर मिले हैं उसमें से सा और प अचल है, वो ना तो नीचे होते हैं ना ऊंचे होते हैं, अपने स्थान पर ही रहते हैं। बाकी स्वर के सभी स्वरों के दो दो रूप है, तो रे एक नीचा है एक ऊंचा है। तो जो हमें प्रकृति से रे मिला है उससे जो नीचा रे है उसको हम कोमल रे कहेंगे। इसी तरीके से ग से पहले जो आया ग कोमल, लेकिन प्रकृति से हमें ग और म जो मिले उसके बाद में जो एक स्वर आ रहा है म और प के बीच में, तो वो म से ऊंचा है, इसलिए उसको हम क्या कोमल नहीं कह सकते, तो उसका नामकरण किया तीव्र मध्यम। तो इस प्रकार से रे ग ध नी चार कोमल, म एक ऐसा है जो बाद में है तो तीव्र। अब बात आती है कि कोमल तीव्र को हम कैसे लिखेंगे। कोमल के नीचे डैश होगी और तीव्र के ऊपर खड़ी एक हल्की सी लाइन होगी, तो उसको हम तीव्र कहेंगे। तो इस प्रकार से 12 स्वर। अब बात आती है कि इन 12 स्वरों का ज्ञान कैसे हो, क्योंकि जब तक स्वर का ज्ञान नहीं होगा तब तक कोई मतलब नहीं है संगीत में। तो स्वर का ज्ञान जब होगा, जब आप थाट समझेंगे। भारतीय संगीत पद्धति में, उत्तर भारतीय संगीत पद्धति के अंदर विष्णु नारायण भातखंडे जी ने 10 थाटों की मान्यता रखी है। तो उसमें पहला जो थाट है वो है बिलावल। बिलावल के अंदर सारे स्वर शुद्ध हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, बिलावल थाट है। बिलावल थाट के अंदर सारे स्वर शुद्ध हैं। सारे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा। अब इसके बाद में दूसरा जो थाट आता है, ये पहला थाट हुआ बिलावल, सारे स्वर शुद्ध। दूसरा जो थाट आता है उसमें क्या बदलाव हो रहा है देखना है।
सारे ग म प ध नि सा सा नि द प म ग रे सा। तो इसमें म जो है वो ऊंचा हो गया, यानी म तीव्र का यूज किया गया है, तो इस थाट का नाम हो गया कल्याण थाट। तो इसमें एक स्वर बदला। इसी तरीके से एक तीसरा थाट और है जिसमें भी एक बदलता है, सा रे ग म प ध नि सा नि द प प ध नि सा। तो ये नी कोमल हो गया, जो नी शुद्ध है उससे हमने पहले नी लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो नी है ये कोमल हो गया। तो इस थाट को क्या कहेंगे, इस थाट का नाम रखा है खमाज। तो देखिए बिलाउल थाट में सारे शुद्ध स्वर है, कल्याण में महतीवर है, खमाज के अंदर जो है नी कोमल है। तो ये कल्याण और खमाज दो ऐसे थाट है जिसमें एक एक स्वर बदला है। अब बात आती है आगे, दो दो स्वर बदलेंगे, तो वो कैसे बदलेंगे सुनो ध्यान से। सारे सारे ग म प ध ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा सा रे। तो रे कोमल हो गया, सा रे ग म प ध ध कोमल हो गया। तो इस प्रकार से रे और ध दो कोमल आने से इस थाट का नाम हो गया भैरव। तो ये बिलावल, कल्याण, खमाज और चौथा थाट भैरव। अब इसी प्रकार से एक स्वर और एक थाट और आता है जिसमें दो स्वर कोमल होते हैं, पहचानना कौन कौन से होते हैं। सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। तो इसके अंदर क्या कोमल है, सा रे ग ग कोमल हो गया, म प ध नि कोमल हो गया। तो ग और नि कोमल होने से एक नया थाट है जिसका नाम हुआ काफी थाट। तो इस प्रकार से ये कौन सा थाट हो गया, पांचवा, बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, काफी। तो एक और आता है जिसमें दो स्वर बदलते हैं, देखिए क्या कोमल हो रहे हैं, सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा सा रे। रे कोमल हो गया, सा रे ग म मतीवर हो गया, प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। तो इसका नाम रख दिया मारवा थाट, इसके अंदर रे कोमल म तीव्र। इस प्रकार से आज हम आपको छह थाटों के बारे में बताया है, बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, काफी, मारवा। तो ये तीन थाट ऐसे हुए, काफी, भैरव, भैरव, काफी, मारवा, इनमें दो दो स्वर बदले हैं। अब इनका अभ्यास आपको कैसे करना है, इनका अभ्यास हारमोनियम की सहायता से, क्योंकि इनकी जो साउंड है वो आपके दिमाग में अभी बैठी नहीं है। जैसे हम बहुत सी ध्वनियों को पहचानते हैं, अंधेरे में अगर बिल्ली बोलती है तो बच्चा बता देगा, कोई भी बता देगा ये बिल्ली की आवाज़ है, कौवा बोलेगा तो कह देगा कौवे की आवाज़। इसी प्रकार से मोबाइल पर अगर आपके घर का कोई भी मेंबर का फ़ोन आया तो आप बता देंगे कि ये मामा जी का फ़ोन है या चाचा जी का है या ताई जी का है। क्यों, क्योंकि वो उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो ध्वनि है, जो हमारे ब्रेन में फीड हो चुकी है। छोटा बच्चा होता है वो हाथी की आवाज़ एक बार सुनते हैं, उसके दिमाग में हाथी की जो है साउंड वो मस्तिष्क में फीड हो जाती है। तो हमको इन 12 स्वरों के साउंड को ब्रेन में फिट करना है, और ये जब होगी जब उनको सुनेंगे। तो पहले सुनने के लिए हारमोनियम की आवश्यकता है, इसलिए हारमोनियम में आप शुद्ध स्वरों का अभ्यास करें, उसके बाद में म तीव्र का अभ्यास करते समय मध्यम तीव्र को, कल्याण थाट के समय तीव्र मध्यम को दिमाग में रखें, उसके बाद में खमाज बजाए तो नी कोमल के साउंड को गौर करके उसको ब्रेन में फीड करें। इसी तरीके से भैरव थाट जब बजाए तो रे और ध के साउंड को ब्रेन में फीड करें। इसी प्रकार से जब काफ़ी बजाए तो ग और नी को ब्रेन में फीड करें। इसी प्रकार से जब मारवा बजाए तो रे कोमल और म तीव्र को, तब जाके ये 12 स्वर जो है वो आपके मस्तिष्क में
बिल्कुल अच्छी तरह से बैठेंगे, फिर आप किसी भी गाने में कौन सा भी स्वर जा रहा है आप उसको आइडेंटिटी कर लेंगे, इसमें ये माँ लग रहा है तीव्र, इसमें ये कोमल धन लग रहा है, इसमें ये लग रहा है, इसमें तो 10 थाट सीखने, जिसमें से मैंने आज आपको 6 थाट बता दिए। आगे मैं बाद में बताऊँगा, आप नियमित रूप से मेरे वीडियोज़ देखते रहें, उनके अंदर मैं स्टार्ट से मैंने शुरू किया है वहाँ से देखेंगे। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो पहले कभी नहीं सीखे हैं, वो अपना अभ्यास इस प्रकार से कर सकते हैं।